नागपुर के साइंटिफिक सभागृह में तू चाहेस तुझा जीवनाचा शिल्पकार यह कार्यक्रम लिया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। सदगुरु वामन राव पे इन्होंने हर मानव जाति के लिए जीवन संवर्धन के लिए काम किए हैं। मनुष्य ने मनुष्य प्राणी से कैसे बर्ताव और व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार की सीख उन्होंने दी है। आयोजित कार्यक्रम में चंद्रकांत निम्बाकर इन्होंने आनंद को परमानंद में कैसे महसूस करे इसका मार्गदर्शन किया। मंच पर अतिथियों का स्वागत किया गया। हल्ली जास्त विचार झाले ते नाही कळत, पण समजा ज्ञानेश्वर महाराजांचे सरळ माणसं होते, त्यामुळे बोलताना कळायचं। आता तसं नाही, या 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 आणि मनात कडमडलं बघा टीव्हीच्या टायमात नेमकं माझ्या नवऱ्याची बायको त्याच वेळेला येतात बघा, बरोबर ना? म्हणजे पण बोलण्यावर ना मानस म्हणजे मन ओळखता येतं, आणि आत्ता जे भोगतो आहे त्याच्यावरनं पूर्वी काय केलंय ते कळत। मनुष्य धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकड़े के साथ संजय मिरी की रिपोर्ट।